आज जो बौद्ध धर्म की दीक्षा का जो प्रोग्राम है, बौद्ध धर्म लेने से समाज को क्या लाभ मिलेगा? बौद्ध धर्म लेने से समाज को क्या लाभ मिलेगा? ऐसा नहीं है जी, बौद्ध धर्म वो धर्म है इस देश का, देश क्या के पूरे ब्रह्मांड का, क्या उसमें लाभ ही लाभ है, उसमें कुरीतियाँ नहीं है, किसी तरीके की कुरीतियाँ नहीं है। इसलिए हम आज जो धर्म की दीक्षा ली है, जो हिंदुओं में जो व्यवस्था है कुरीतियों को दूर करने के लिए, आज वो धर्म अपनाया है। सर, एक तरफ कहा जाता है कि शिक्षा की जो जननी है वो सरस्वती है और जो धन की जो लक्ष्मी है वो लक्ष्मी जी हैं, तो एक तरफ बौद्ध धर्म के अंदर ऐसी बात मानी नहीं जाती, पढ़ाया ये जाता है। लेकिन बौद्ध धर्म के अंदर मानने बौद्ध धर्म इस चीज़ को विश्वास नहीं करता। बौद्ध धर्म विज्ञान पर डिपेंड है। और रही बात सरस्वती की, सरस्वती का कोई इतिहास नहीं है, लक्ष्मी का कोई इतिहास नहीं है। आप बनाने को आप कुछ भी बना ले, अगर शिक्षा की देवी अगर आप कहते हो तो वास्तव में नहीं कह रहा सर, किताबें कहती हैं। नहीं नहीं, मैं इतिहास तो आपका बनाया हुआ है, इतिहास तो आपका बनाया है। नहीं तो शिक्षा की देवी अगर वास्तव में ही शिक्षा की देवी हैं तो सावित्री बाई फुले हैं, जिन्होंने पूना के अंदर एक लड़कियों के लिए एक सबसे पहले विद्यालय खोल के शुरुआत की। नहीं तो उससे पहले लड़कियों को पढ़ाने का इस देश में व्यवस्था नहीं थी। हाँ जी, इस देश में लड़कियों को पढ़ाने के लिए व्यवस्था नहीं थी, लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था। और एक कुरीतियाँ जरूर फैला दी थी कि कोई भी अपनी लड़की को पढ़ाएगा और जिस लड़के से उसकी शादी होगी वो लड़का मर जाएगा और लड़की विधवा हो जाएगी। इसीलिए लोग लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे। वो चीज़ जो ज्योतिबा फुले ने ये भ्रम लोगों के अंदर जो भ्रम था पाखंडवाद का, उसको ख़त्म करके वो चीज़ दूर की। और आज हमारे समाज में महिलाएं भी हैं, महिलाएं खूब बढ़ चढ़ के काम कर रही हैं। इस देश की प्रधानमंत्री भी बनी है, इस देश की मुख्यमंत्री भी बनी है, मंत्री वगैरह बनी है। तो ये सब देन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की है, जो हिंदू कोड बिल के तहत महिलाओं को अधिकार दिलाए। धन्यवाद सर।